हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रिंस मॉनिटर में फिर से एक बार न्यू वीडियो में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको व्हाट्सएप से जुड़ी चार बहुत ही सीक्रेट और इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक बताने वाला हूँ। दोस्तों ये ट्रिक बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा, इसका मेरा 100% गारंटी है, क्योंकि ये ट्रिक आपको यूट्यूब पे मेरे से पहले किसी ने नहीं बताया होगा। तो चलिए दोस्तों, ये चार सीक्रेट ट्रिक क्या है आपके व्हाट्सएप में, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, अगर आप वीडियो को समझना चाहते हैं, इस ट्रिक को समझना चाहते हैं। तो ये दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कॉमेंट कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो, नहीं तो आपकी मर्जी दोस्तों। आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अब दोस्तों व्हाट्सअप की पहले ट्रिक क्या है। दोस्तों सबसे पहले आप अपना व्हाट्सअप खोलेंगे, आप बहुत सारे लोगों से चैटिंग करते हैं व्हाट्सअप पे। अब मान लीजिए दोस्तों मैंने जैसे इस ग्रुप में चैटिंग करता हूँ, मैं ग्रुप में आप चाहते हैं कि आप बहुत सारे लोगों से, फ्रेंड से, अपने दोस्त से या ग्रुप में बहुत सारे चैटिंग करते हैं। अब आप चाहते हैं कि आप किसी चैटिंग कर, आपको कोई चैटिंग बहुत ही पसंद आ गई, किसी का मैसेज किया हुआ मैसेज या आपने जो मैसेज किया किसी के पास वो आपको बहुत पसंद आ गया, चाहे आपके पास कोई मैसेज किया आपका दोस्त यार कोई भी, आपको उसका मैसेज बहुत पसंद आ गया और आप चाहते हैं कि ये मैसेज कभी डिलीट ना हो, ये मैसेज मैं सबसे अलग इसको निकाल कर रखूँ, सबसे हटा कर रखूँ, ये मैसेज मेरा कभी भी डिलीट ना हो, चाहे पूरा व्हाट्सअप का मैसेज डिलीट हो जाए। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए इस ग्रुप में मैं चैटिंग करता हूँ, मान लीजिए ये तीन मैसेज मेरे को बहुत पसंद है, मेरे को बहुत ही, मैं चाहता हूँ कि तीनों मैसेज मेरा बहुत मतलब अच्छा अच्छा मैसेज है, मेरे दिल में उतर गया ये मैसेज, इस मैसेज को मैं कभी डिलीट ना होने दूँ। तो सबसे पहले तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे, ऊपर स्टार पर देखिए पहले से ये अन स्टार है, इसको तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे, ऊपर स्टार पे आप क्लिक कर देंगे। ये क्या है दोस्तों कि तीनों जो मैसेज है स्टार पे मैंने जैसे क्लिक किया स्टार्ट हो गया। अब इसको देखने के लिए थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्टार्टेड मैसेज है, स्टार्टेड मैसेज उस पे क्लिक करेंगे, देखिए जो मैंने सिलेक्ट किया है वो यहाँ पे शो कर रहा है। अब इससे आप ऐसे बहुत सारे मैसेज को स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कोई भी आप ग्रुप से हट कर भी जैसे किसी से बात करते हैं तो उनका भी मैसेज को सेलेक्ट करके आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो वो मैसेज स्टार्ट हो जाएगा और बहुत स्टार्ट में चला जाएगा, देखिए स्टार्ट में ये चला जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे आपका जो भी मैसेज, आपका जो भी पसंदीदा मैसेज होगा, जो भी मैसेज आपको मतलब लगा होगा कि नहीं आप चाहते हैं कि ये मैसेज बहुत प्यारा है, इस मैसेज को मैं हरदम यादगार के लिए रखना चाहता हूँ, तो आप उसको स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे। अब क्या होगा दोस्तों, मान लीजिए मैंने इस ग्रुप में तीन मैसेज को स्टार्ट पर क्लिक किया, आप चाहते हैं दोस्तों इस ग्रुप में बहुत सारा मैंने चैटिंग कर लिया, ग्रुप में तो हमेशा दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे फ्रेंड होते हैं तो मैसेज आता रहता है, तो चाहते हैं दोस्तों कि आप इस ग्रुप में बहुत सारा मतलब चैटिंग भर गया है, बहुत सारा मतलब फोटो डेट सब कुछ हो गया, तब चाहते हैं कि इस ग्रुप के सारे चैटिंग को मैं डिलीट कर दूं। तो थ्री लाइन पे आप क्लिक करते हैं और यहाँ पे थ्री लाइन पे मोर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लियर चैट का ऑप्शन दिख रहा है, क्लियर चैट पे आप क्लिक कर देते हैं। क्लियर चैट पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों ये सारा क्लियर हो जाता है, लेकिन जब आप इस किसी ग्रुप में या किसी कॉन्टेक्ट मतलब किसी कॉन्टैक्ट में अगर स्टार मैसेज लगाए होंगे तो आपको ये ऑप्शन आ जाएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा डिलीट स्टार्ट मैसेज। अब ये अनबॉक्सिंग है, अगर इसको बॉक्स करके आप क्लियर मैसेज करेंगे तो जो भी आप मैसेज को स्टार्ट किए हैं वो भी आपका डिलीट हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे फिलअप नहीं करना है, इसको ब्लैंक रहने देना है, खाली छोड़ा देना है और इसके बाद क्लियर मैसेज पर क्लिक कर देना। देखिए दोस्तों ये पूरा क्लियर हो चुका है, लेकिन जो भी मैसेज ने को आपने स्टार्ट किया हुआ है वो मैसेज केवल ये तीन रह गए। तो दोस्तों ये तीनों मैसेज को मैंने स्टार्ट किया था, ये तीनों में मैसेज मेरा बहुत पसंदीदा था, मैं इसको नहीं चाहता था कि मैं ये कभी डिलीट हो, तो ऑटोमेटिक देखिए तीनों मैसेज यहीं पर शो हो गया। तो पहली ट्रिक ये है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये पहली ट्रिक पसंद आई होगी। अब दूसरी ट्रिक के लिए दोस्तों मान लीजिए आप व्हाट्सअप ओपन करते हैं, व्हाट्सअप ओपन करके मान लीजिए दोस्तों आप किसी के आपसे कोई फ़ोन मांग दे और आपको डर है कि मैंने व्हाट्सअप में इतने सारे लोग हैं, मेरे व्हाट्सअप से किससे मैंने चैटिंग किया, आप नहीं चाहते कि किसी को ये शो करे कि देखिए दोस्तों यहाँ पे कितने सारे लोगों से मैंने चैटिंग किया हुआ है, मेरे कितने फ्रेंड है, और आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो स्क्रीन दिख रहा है यहाँ पे लोगों का मेरे फ्रेंड का वो खाली दिखे, मतलब यहाँ पे कुछ ना दिखे, एकदम ब्लैंक लोग पूरे खाली दिखे, पूरे व्हाइट दिखे। तो सबसे पहले आप थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे, उसके थ्री लाइन पे क्लिक करने के बाद सेटिंग पे जाएंगे, सेटिंग पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए चैट का एक ऑप्शन दिख रहेगा अकाउंट्स के नीचे, चैट पे क्लिक करेंगे, चैट पे क्लिक करेंगे नीचे सबसे चैट हिस्ट्री का एक ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऊपर देखिए एक्सपोर्ट चैट के नीचे अचीव ऑल चैट्स है ऑप्शन है उस पर आप क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। और दोस्तों यहाँ से बैक आकर हम आपको दिखा देते हैं कि क्या हो रहा है। बैक आने के बाद देखिए दोस्तों, बैक आने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा दोस्तों, जितना चैट है वो सारा आपका डिलीट नहीं होगा दोस्तों, आप
टेंशन मत लीजिएगा, कैसे करने से मेरा पूरा चैट, मेरा पूरा फोटो जिससे जिससे मैंने चैटिंग किया वो सारा डिलीट होगा, सारा डिलीट नहीं होगा, बस वो आपके व्हाट्सअप से हाइड हो जाएगा, वो किसी को दिखेगा नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर ऊपर देखिए छोटा में लिखा हुआ है आर्चिव 37, उस पर आप सिंपली से क्लिक करेंगे तो ये सारा चैट आपका फिर से वापस आ जाएगा। अब आप चाहते हैं किसी से चैट करना तो उस पर आप जैसे इस पर मैं चैटा हूँ चैट करना, तो मैं सिंपली से इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ दोस्तों, चैट करता हूँ, यहाँ पे सेंड करता हूँ, यहाँ से बैक आ जाता हूँ, बैक आता हूँ तो दोस्तों देखिए अब ये जिससे मैंने चैट किया बस ये है, सिंपल अकेले रह गया और कुछ नहीं दिख रहा। अब आप चाहते हैं कि इसको भी मैं हैड करूँ तो इस पर कुछ सिलेक्ट करेंगे, ऊपर देखिए यहाँ पे सबसे किनारे 3 लाइन के बगल में एक तीर का निशान है, उस पर आप क्लिक कर देंगे, ये भी देखिए दोस्तों हाइड हो चुका है। अब दोस्तों चाहते हैं कि अब नहीं मैं जैसा था पहले वैसा ही छोड़ दूँ, मेरे को ये सब पसंद नहीं है, तो सबसे पहले आप उसी 3 लाइन पर क्लिक करेंगे, सेटिंग पर जाएंगे, चैट पर जाएंगे, फिर चैट हिस्ट्री पर जाएंगे और यहाँ पर देखिए एक्सपोर्ट चैट के नीचे जो है अर्चिव्ड ऑल चैट्स था और अब यहाँ पे लिखा है ऑन अर्चिव ऑल चैट्स, आप सिंपली से इस पर क्लिक कर देंगे और इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों देखिए बैक आते ही आपको जो भी है जैसा भी था आपका पहले कुछ भी डिलीट भी नहीं हुआ है, जैसा आपका था सारा कुछ ये सब कुछ आ चुका है। देखिए ग्रुप में जो मैंने सब अलग मैसेज था सारा फोटो था कुछ भी मैसेज फोटो डिलीट नहीं हुआ है, सारा कुछ पहले का जस का तस आ चुका है। तो दोस्तों ये थी दूसरी ट्रिक। अब दोस्तों जो तीसरा ट्रिक है दोस्तों अब वो बताता हूँ। मान लीजिए दोस्तों आप बहुत लोगों मतलब आपके फ़ोन में 3-4 ग्रुप है और ग्रुप में आप चैटिंग करते हैं, जैसे ये मान लीजिए ग्रुप है छोटा सा ग्रुप है दोस्तों, जैसे तो सारा मैसेज मैंने डिलीट कर दिया, मेरे फ़ोन में एक भी ग्रुप नहीं है, नहीं तो मैं आपको मतलब दिखाता, ऐसे भी एक ग्रुप है दोस्तों तो आपको एग्जाम्पल में दिखा दे रहा हूँ आप समझ जाइएगा। मान लीजिए दोस्तों आपके फ़ोन में बहुत सारे मान सारे व्हाट्सएप के में आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो हो जरूर आपके व्हाट्सएप में 1-2 ग्रुप होगा ही होगा। तो दोस्तों मान लीजिए आप ग्रुप में बहुत सारे आपके ग्रुप में मतलब बहुत सारे में मतलब आपके दोस्त हैं, यार हैं, साथी हैं, भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं आपके ग्रुप में, आपके रिलेटिव है और आपके ग्रुप में ही आपको किसी ने गलत व्यवहार कर दिया, मतलब आके गलत कुछ शब्द यूज कर दिया आपके खिलाफ, चाहे आपको कुछ गलत बोल दिया आपके ग्रुप में ही और आपको गुस्सा आ गया उस पर और आप ग्रुप में ही उससे नहीं बोलना चाहते कि अब उसके पास मैसेज करेंगे तो आप और भी गुस्सा होगा, बहुत सारे लोगों को पता चल जाएगा कि ग्रुप में भाई ये क्या होने लगा, ग्रुप में दोनों गाली गलौज होने लगा, दोनों लोग अपने में ग्रुप में लड़ने लगे, आपको भी बुरा लगेगा, उससे भी बुरा लगेगा और लोग भी देखेगा आप लोगों का मतलब पर्सनल जो भी बात होगा। तो दोस्तों मान लीजिए ये है दोस्तों तो इस पर हम उनके पास हम जिससे एग्जांपल में जैसे जिसके पास आप प्राइवेटली मैसेज करना चाहते हैं ग्रुप में नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपली से उसे बैक आते हैं और उनका कॉन्टैक्ट नंबर खोजते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर सेव करते हैं और उसमें अगर फ़ोन में अगर आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है भी फ़ोन में सेव भी है तो आप व्हाट्सएप पर बैक आते हैं और यहाँ से उनका नंबर कॉन्टैक्ट मतलब डायल करते हैं, उसके बाद उनके पर्सनली जाके उनको व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर ग्रुप में है अगर आपको मैसेज करना है तो ग्रुप में जैसे मान लीजिए कि मेरे को ये जो बुरा लगा है मैसेज जो सबसे 3 मैसेज आया है मेरे पास, ये मैसेज मेरे को बहुत बुरा लगा है कि मेरे भाई मेरे पास बहुत मतलब गाली गलौज किया है, मेरे को बहुत बुरा मैसेज किया है तो आप सिंपली से क्या करूँगा कि मैं इस पर सिंपली से पूरा प्रेस करके रखूँगा और ऊपर देखिए प्रेस करके रखूँगा 3 लाइन है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर रिप्लाई प्राइवेटली का ऑप्शन आएगा दोस्तों, रिप्लाई प्राइवेटली के ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे रिप्लाई प्राइबिलिटी पे क्लिक कर कुछ भी टाइप करके जो भी मेरे को टाइप करना है, मैं तो एग्जांपल में कुछ भी कर दे रहा हूँ, टाइप करके यहाँ पे शेयर कर देंगे। अब ये जो मैसेज गया वो उनके पास प्राइबिलिटी जाएगा दोस्तों, ना कि ग्रुप में जाएगा, ग्रुप पे आपको शो कर रहा है यहाँ पे लेकिन सारे लोगों को पता नहीं चलेगा, ये मैसेज केवल उन्हीं के पास जाएगा जिनके पास ये प्राइवेटली आप मैसेज किए हैं। तो दोस्तों ये हो गया तीसरा ट्रिक, देखिए दोस्तों कितनी अमेजिंग ट्रिक है। और जो चौथी ट्रिक है दोस्तों वो बहुत ही अमेजिंग है। मान लीजिए दोस्तों आपके व्हाट्सएप में बहुत सारा डेटा है, बहुत सारे ग्रुप हैं आपके, ग्रुप में आपके बहुत सारे फोटो आते हैं तो आप कैसे अपने व्हाट्सएप के मतलब क्लीन करके रखेंगे, अपने स्टोरेज को कैसे क्लीन करके रखेंगे, तो आपको सबसे पहले गैलरी में जाइएगा और गैलरी में जाकर सारे फोटो को चूज करिएगा, सारे फोटो को देखिएगा कौन कौन व्हाट्सएप पे बेकार बेकार फोटो आया है, कौन कौन ग्रुप का फोटो आया है, उसे आपको डिलीट करिएगा, सेलेक्ट कीजिएगा फिर डिलीट कीजिएगा। लेकिन दोस्तों उससे आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, बहुत सारे परेशानी होगी सारे फोटो को सेलेक्ट करो, उससे अच्छा है दोस्तों कि आप 3 लाइन पर क्लिक करिएगा, यहाँ पर सेटिंग पर जाइएगा, यहाँ पर स्टोरेज एंड डाटा पर क्लिक कीजिएगा और ऊपर मैनेज स्टोरेज का ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद दोस्तों आपके फ़ोन में जो भी मतलब ग्रुप है उस ग्रुप को सेलेक्ट कर लीजिए। तो पहले मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि मेरे फ़ोन में एक भी ग्रुप नहीं है तो मेरे किसी को सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, लेकिन आपके फ़ोन में जितना भी ग्रुप है जैसे मान लीजिए दोस्तों कॉन्टैक्ट है तो मैं कॉन्टैक्ट का ही सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए कॉन्टैक्ट को मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए इनका 3 फोटो है तो यहाँ पे तीनों मैं सेलेक्ट और पे क्लिक करके डिलीट कर दूंगा और यहाँ पे इनका 200-400 होता तो 200-400 यहाँ पे सेलेक्ट हो जाता सेलेक्ट ऑल करने पे। तो एग्जांपल में आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे कॉन्टैक्ट ही है
ग्रुप नहीं है, ग्रुप पे आपको पता ही है दोस्तों कि कितने सारे फोटोज वीडियो मैसेज सब आते रहते हैं, तो जो भी आपका फोटो वीडियो होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा उस ग्रुप पे, आप क्लिक कीजिएगा तो और सिलेक्ट ऑप्शन जैसे क्लिक कीजिएगा और उसको डिलीट कर दीजिएगा, सारा एक ही बार आपको यहाँ से ही डिलीट हो जाएगा, ना कि गैलरी में जाकर आपको एक वो चूज करना होगा, एक एक फ़ोटो को देखना पड़ेगा कहाँ किसका फ़ोटो है, कहाँ कौन सा फ़ोटो कौन ग्रुप में से आया है, उसको आप एक एक करके डिलीट कीजिएगा तो उससे ज़्यादा आसानी होगा ऐसे आपको डिलीट करने में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो चारों मेट्रिक बताया आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, और आप व्हाट्सअप यूज करते होंगे, आगे आपको कभी ज़रूरत पड़ेगा तो ये चारों ट्रिक आप अपने व्हाट्सअप में अपना सकते हैं। व्हाट्सअप की चार जो मैंने ट्रिक बताया, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पसंद नहीं होगी ये वीडियो, आपको ये इससे ज़रूर फायदा पहुंचने वाला है, आपको इसे जरूर अच्छा लगा होगा ये ट्रिक जानकर, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा लाइक कर देना। फिर से मिलते हैं दोस्तों एक बार न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।